नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुबैक्स लिमिटेड। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर की अगर बात की जाए तो काफ़ी तगड़ा इसका परफॉर्मेंस रहा है। बहुत छोटे से लेवल से काफ़ी ऊपर तक ये शेयर ने चढ़ाई की है, लेकिन इतनी तगड़ी तेज़ी इस शेयर में आने के बाद जो है कंसोलिडेशन का फेज और जो है गिरावट का फेज इसमें अभी देखने को मिल रहा है। और एक ही छोटी सी रेंज में जो है ये काफ़ी दिनों से घूम रहा है, कंसोलिडेट ये कर रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी संभावना जो है देखने को मिल रही है। इस बारे में जो है हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इसका आगे का कौन सा बेहतरीन टारगेट निकल के आ रहा है और इसमें क्या एक बड़ा जो है मूवमेंट देखने को आगे 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 आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। इस बारे में जो है हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर जो है इससे रिलेटेड निकल के आ रही है, सुबह से जो जुड़ती हुई खबर है उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत धमाकेदार खबर है ये, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आज के दिन कैसे क्या ट्रेड चल रही है। इसमें आज देखें ऑलमोस्ट 10 पैसे की जो है तेजी देखने को मिल रही है। अभी ऑलमोस्ट 0.919% के आसपास की इसमें तेजी आ चुकी है। अभी ये 51.85 रुपये के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। 1 वीक की इसकी बात की जाए तो 1 वीक में ऑलमोस्ट 0.9 मतलब कि 90 पैसे इसमें तेजी देखने को मिली, जो कि 1.77% के आसपास की तेजी इसमें एक सप्ताह में देखने को मिली है। एक महीने की अगर बात की जाए तो 1 महीने में ऑलमोस्ट 14.5% जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि 8.85 रुपये की जो है गिरावट इसमें आ चुकी है 1 महीने में। 6 महीने में अगर आप गौर करें तो 6 महीने में धमाकेदार इसके रिटर्न रहे हैं, ऑलमोस्ट 89% इसके रिटर्न रहे हैं। 24.40 रुपये की जो है इसमें बढ़ोतरी शेयर में देखने को मिली है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 1 ईयर में तो और भी तगड़ा इसने परफॉर्मेंस दिया है, ऑलमोस्ट 410.84% के आसपास के इसके रिटर्न रहे हैं एक साल में। 41.70 रुपये की जो है इसमें तेजी देखने को मिली है, आप खुद देख सकते हैं। 10.15 रुपये इसका जो लो था, देखें 9.28 रुपये का इसका लो था, और हाई देखें 74.45 रुपये। तो इतना तगड़ा इसने का परफॉर्मेंस रहा है, आपका पैसा इसने 8 गुना कर दिया इतने कम समय में। तो काफ़ी तगड़ा ही जो है इस कंपनी ने अभी तक जो है लोगों को मुनाफा बना के दिया है। और कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी सॉफ्ट अपना आईटी सेक्टर की कंपनी है। आईटी सेक्टर तो आपको पता है कि लगातार ग्रो करता ही जाना है, और इस कंपनी की जो खासियत है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, मतलब कंपनी जो है जो लॉस में आ गई थी लास्ट ईयर, तो इस बार जो है जो अपना फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 आया था उन्होंने इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस अभी चल रहा है। और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहले हम उस खबर को देख लेते हैं कि क्या खबर देखने को मिली है। तो खबर देखते हैं, सुबैक्स गेन ऑन एक्सटेंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बांग्लादेश रोबी। तो एक बांग्लादेश की एक रोबी कंपनी है, उसके साथ जो है इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। तो इस कंपनी की जो रोबी है काफ़ी बड़ी कंपनी है बांग्लादेश की, बहुत बड़ी जो है कंपनी, इसकी जो है उन्होंने अपनी पार्टनरशिप एक्सटेंड की है। तो इस खबर को हम आगे पढ़ते हैं। तो सुबैक्स रोज 1.47% टू ₹51.60 आफ्टर द फर्म अनाउंस दैट इट एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद रोबी टू अपग्रेड इट्स एग्जिस्टिंग इंटीग्रेटेड रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्होंने जो है अपनी इस सुविधा को बढ़ाने के लिए जो है अपने पार्टनरशिप को बड़ा और एक्सटेंड किया है। और इसके अलावा क्या बोला है इस खबर में, रोबी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है ये, ओवर 47 मिलियन सब्सक्राइबर, इज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ 4.5G सर्विस विद अ नेटवर्क कवरिंग 7400 साइट्स 99% ऑफ थानास इन बांग्लादेश। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है आप समझ सकते हैं बांग्लादेश की। तो ये इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है एक कदम लिया है, और काफ़ी बड़ा जो ये कदम इनके लिए साबित होने वाला है आगे आने वाले समय के लिए। अब इस खबर में और क्या बोला गया है, थ्रू दिस अपडेट रोबी विल नाउ लिवरेज द AI एंड ML कैपेबिलिटीज ऑफ सुबैक्स रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन टू टैकल न्यू एज टेलीकॉम थ्रेट्स इन द रीजन एंड डिलीवर अ सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस एज इट लुक्स टू प्रोवाइड सर्विस बिल्ड ऑन 5G। तो 5G का जो है अपन का जो काम है रोबी का, इसके लिए जो है इन्होंने अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया सुबैक्स के साथ, क्योंकि सुबैक्स का बहुत महत्वपूर्ण लॉन्च जो है अपना अब रोल रहने वाला है इस कंपनी में, रोबी जो कंपनी है बांग्लादेश की। तो इस लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़ा जो है इनिशिएट लिया है अपने सुबैक्स लिमिटेड ने, जो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। तो इस लिहाज से देखें तो कंपनी का अब आगे आना वाला भविष्य जो है बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अब इनका नाम एक तरह से आप सोच सकते हैं कि 5G के साथ जुड़ चुका है। तो 5G तो आपको बहुत जल्द लॉन्च होते हुए मिलेगा, और उसके साथ ही अपना सुबैक्स लिमिटेड अब बहुत तेज आपको भागता हुआ मिलने वाला है, ये बात बिल्कुल पक्की है अब आपको खबर से
पता चल गया, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि आप खुद इन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इफेक्ट देखें तो बहुत बड़ा इफेक्ट इसमें देखने को मिलने वाला है इस खबर से। ये पूरा पूरा पता चल रहा है कि अब 5G जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगा इस शेयर को ऊपर ले जाने में जो है अपना सुबह लिमिटेड। ये तो बात रही खबर की, खबर धमाकेदार खबर निकल के आई है, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर पर पड़ा है। आज भी देखिए इसमें तेजी देखने को मिल गई है जैसे ही ये खबर आई है। ये तो बात रही इसकी खबर की। अब हम आपको ले चलते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट पे इनकी कैसी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कौन सा लेवल जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप देखें कितना तगड़ा इनमें तेजी आई थी, बहुत तगड़ा जो है इन्होंने ट्राई की थी ऊपर की तरफ। और ऑलमोस्ट अब मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ तो यहाँ से अगर आप गौर करें करीब करीब जो इनका लेवल था एग्जैक्टली 24 रुपये के आसपास का, यहाँ से देखें कहाँ तक पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट 74 रुपीज़ की इन्होंने हाई टच किया था। तो इतनी ज़्यादा रैली इसमें जो देखने को मिली थी उसके बाद तय था कि इसमें करेक्शन भी देखने मिलेगा। देखिए कितनी तगड़ी तेजी आई इसमें, तो इसमें बिल्कुल श्योर श्योर बात थी कि इसमें जो है रैली के बाद एक जो है गिरावट का फेस भी देखने मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ये करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि बहुत तेज जब कोई शेयर भागता है तो करेक्शन भी उसमें उतना ही तेज देखने को मिलता है। फिर देखिए क्या हुआ इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, फिर जो इसमें तेजी आई थी तेजी के बाद क्या किया उन्होंने, काफ़ी दिन कंसोलिडेशन दिखा था। यहाँ पे देखिए बहुत दिन कंसोलिडेशन में भी फंसा रहा, मतलब कि बहुत तेज आई तेजी, फिर हल्का फुल्का कंसोलिडेट किया यहाँ तक तेजी आई थी, फिर कंसोलिडेट किया, फिर इसने एकदम से ब्रेकआउट दिया, फिर गिरावट ली, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। फिर देखिए ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, इसमें भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है और अब इसकी छोटी सी रेंज में फिर से फंसता हुआ दिखाई दिया है, मतलब कि इसका ये वाला हाल देखने मिल रहा है जो ये हाल यहाँ पर हुआ था। अब देखें कंसोलिडेशन का फेस चला था, उसके बाद क्या किया था इसने तगड़ा ब्रेकआउट दिया था, तो इसमें फिर से वही चीज़ इसमें दोबारा से देखने को आपको मिल सकती है। हल्की फुल्की थोड़ा बहुत गिरावट आपको मिलेगी लेकिन उसके बाद तगड़ा इसमें आपको ब्रेकआउट की तैयारी देखने को मिल रही है। आप खुद देख सकते हैं हमने आपको जो सपोर्ट लेवल प्रोवाइड किया था पुरानी वीडियो में ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ 55 पैसे का हमने आपको सपोर्ट लेवल प्रोवाइड किया था, और हमने आपको बोला था कि यहाँ से ये जो गिरावट का समय खत्म होता हुआ आपको मिल सकता है। और देखिए यहाँ पर कितने दिन से ये सपोर्ट ले रहा है, देखिए काफ़ी दिनों से यहीं पर ये घूम रहा है, छोटी सी एक रेंज बनाते हुए ऊपर नीचे बराबर कर रहा है, और इसकी संभावना है कि ये बड़ा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल जाए बहुत जल्दी। तो ये काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ रहा है इस शेयर में बाइंग करने का। तो आप थोड़ा सा इसमें अभी कुछ दिन वेट कीजिए, कंसोलिडेशन का फेस खत्म हो जाने दीजिए, जैसे ही कंसोलिडेशन का फेस खत्म हो थोड़ा सा फिर आप इस लेवल पर अपनी बाइंग करके अपनी रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप समझ सकते हैं 5G से इनका नाम जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, तो इस लिहाज से कंपनी का भविष्य तो काफ़ी अच्छा आपको उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो इनका एक सपोर्ट जो है वो 50 रुपीज़ 55 पैसे पर निकल के आ रहा है, और आपका फ्रेश बाइंग का ऑप्शन भी ये रह सकता है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है इन केस तो आपका सेकंड सपोर्ट जो है वो आपका 40 रुपये 45 पैसे पर निकल के आ रहा है। इस पर अगर ये पहुंचता है तो आपको और भी तगड़ी बाइंग मिलेगी, और भी तगड़ा आपको फिर रिटर्न्स मिलेगा अगर यहाँ से सब तेज़ी पकड़ेगा। तेज़ी पकड़ना तो उसका तय है, IT सेक्टर तो आपको पता है कि बहुत तेज़ इंडिया में ग्रो कर रहा है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है IT जो अपना सेक्टर है। तो इस लिहाज से देखिए तो कंपनी बहुत अच्छी आपको एक दिखाई दे रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, एक छोटा सा शेयर आपको बहुत बड़ा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो एक बड़े ब्रेकआउट की इसमें तैयारी देखने को मिल रही है, फिर से बड़ा ब्रेकआउट जैसे इसमें यहाँ पर हल हुआ था कि कंसोलिडेशन दिया और फिर तगड़ा ब्रेकआउट, देखिए सीधे कहाँ पहुँचा 61 रुपये से सीधे 72 रुपये पर, तो फिर से वही चीज़ इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसका फर्स्ट टारगेट जो अब रहने वाला है वो इसका रहेगा ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ 85 पैसे, इसका टारगेट नंबर 1 रहेगा। टारगेट 2 आपका जो रहने वाला है वो आपका 61 रुपये का रहने वाला है, 61 रुपये का आपका टारगेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने काफ़ी दिन सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर रजिस्ट भी किया, यहाँ देखिए इसने 61 रुपीज़ पर यहाँ सपोर्ट लिया और रजिस्ट भी काफ़ी दिन किया है, तो आपका 61 रुपये का टारगेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से रजिस्टेंस ले ले, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है नज़र रखना है 61 रुपये के लेवल पर। और उसके बाद अगला टारगेट जो है आपका 64 रुपये 95 पैसे का है, और लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है आपका वो 72 रुपये 80 पैसे का निकल के आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण टारगेट है 72 रुपये 80 पैसे, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छी है, कंपनी आपको बहुत तगड़ा जो है पैसा कमा के देगी। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह से आप इसमें जो है अपना पैसा निवेश करके रख सकते हैं, काफ़ी तगड़ा जो है आपको कंपनी से पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी मिल रही है, एक छोटा शेयर आपको मल्टी बैगर बनता हुआ मिलने वाला है। तो ये हमारे इस लेवल से जो बहुत अच्छे काम किए हैं इन्हीं लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टारगेट का आपका जो मेन लेवल वो आपका 61 रुपये का रहेगा। और आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है जिसमें आपको इंट्राडे की कॉल्स और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पेनी स्टॉक हर तरह के स्टॉक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बहुत
कम समय में आपको काफी तगड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। काफी कम रिस्क होता है उन शेयरों में, वो आपको बहुत एनालाइज करके प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उस ग्रुप में आईपीओ से रिलेटेड जो भी खबर आती है या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी खबर निकल के आती है, सबसे पहले आपको उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है उस जो ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपका उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फायदा ही फायदा उस ग्रुप से होगा। काफ़ी अच्छी उसमें जो है आपको अनाउंसमेंट प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी अच्छी अच्छी उसमें न्यूज़ आपको दी जाती है, जो आपको जल्दी बहुत आपको अपडेट देने में मदद करती है। तो वो जो ग्रुप है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उस लिंक को आप क्लिक करके हमारे ग्रुप पर सीधे ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप जो है उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो दोस्तों यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।